This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग के इस 24वें बैच के लेक्चर नंबर 26 में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक जो ऑन पेज, ऑफ पेज, कंपेटिटर एनालिसिस, अमेज़न एडसेंस, फ्रीलांसिंग जो जो सिखाया वो आप लोग साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। सारा बेशक इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, बट जो पार्ट आपको पसंद है, फॉर एग्जांपल आपको एफिलिएट मार्केटिंग पसंद है, एडसेंस पसंद है, वो आप काम कर रहे होंगे और होप सो आप लोग जो है एक ट्रैक पे चढ़ गए हो ताकि उसके बाद आगे काम करना आसान हो जाए। एक्चुअली अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए बैकलिंक जिसे बोलते हैं हम लोग, या थोड़ी बैकलिंक्स में दो जो है टॉपिक मेन है, इसको आपने समझना है ताकि आप लोग अपनी जो वेबसाइट है उसको रैंक करवा सको या आप क्लाइंट के लिए काम इजीली कर सको। गेस्ट पोस्टिंग होती है, इसको हम आप ये भी बोल सकते हो कि पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क, यानी कि लोगों की वेबसाइट को जो रैंक करवाने के लिए जो साइट्स का नेटवर्क यूज होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, PBN प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, जो हम अपनी वेबसाइट को या अपने क्लाइंट की वेबसाइट को, किसी एक क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए बनाते हैं, That is called basically private blog network. इसमें हमें जो एक होता है CFDA, Majestic.com। इस काम को कंप्लीट करने के लिए आपको majestic.com, मोस, एक्साइट एक्सप्लोरर,
अच्छा, ये तो हो गया मैट्रिक्स। के अंदर क्या क्या खसूसियात होती हैं तो वो कैस्ट पोस्टिंग या पीबीएन का हिस्सा बन सकेंगी। ठीक है, CF15 साइटेशन फ्लोर मैजेस्टिक का ये मैट्रिक है, एक TF15 रेशो की डी टी जी, ये तो हो गए मैट्रिक उस डोमेन के जो हमारी गेस्ट पोस्टिंग या पीबीएन की साइट का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा जो हमें टूल चाहिए वो है जी कोडेडी ऑप्शन। जी कुछ पूछना है आपने? हाँ जी, वो टूल्स में बताने लगा हूँ मैं। जहाँ पे डोमेन जो है एक्सपायर मिलती है। सबसे पहले हमने जो डोमेन फाइंड करनी है वो इस प्लेटफॉर्म पे। आपने इस पे साइन अप कर लेना है। वैसे मैंने इस पे तकरीबन 3 साढ़े 3 4 साल पहले एक लेक्चर दिया, उसके बाद फिर अब तक कोई अच्छी डोमेन यहाँ से नहीं मिलती, मगर हम एक लक आजमाते हैं कि मे भी कोई अच्छी डोमेन हमें मिल जाए। जी, अकाउंट आपका बन जाएगा इसमें। ठीक है, आपने यहाँ पे आना है क्रिएटेड डोमेन्स, यहाँ पे शो फिल्टर। ठीक है, बैकलिंक्स 15, ओनली 24 आवर्स डोमेन। ठीक है, अच्छा इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे ये हमें जो है डोमेन्स दिखा रहा है, जिसको हमें चेक करने के बाद पता चलेगा कि आया कि ये डोमेन हमारी हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन भी सकती है कि नहीं। ठीक एग्जांपल लेता हूँ कि ये ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक साइड, इसको मैंने चेक करना है मैजेस्टिक। इस अथॉरिटी डोमेन फाइंड करने के लिए हमारे पास इन टूल्स का, एसईओ टूल्स का होना बहुत जरूरी है, इनके बगैर हम अधूरे हैं। क्योंकि एसईओ का काम करें और हमारे पास एसईओ के टूल ही ना हो
तो हमारा काम अधूरा है। ठीक है, फ्री में चेक नहीं करेंगे हम, बल्क डोमेन अथॉरिटी जाना इसमें। इस तरह के टूल से भी हम लोग चेक कर सकते हैं डोमेन की अथॉरिटी। फ्री टूल्स हैं, इन्होंने बैकएंड पे एपीआई की लगाई हुई है। इस डोमेन का अथॉरिटी 16, पेज अथॉरिटी 12 है। हमें ऐसी डोमेन चाहिए जिसका डीए 15, पीए 15 हो, कम से कम ज्यादा जितना मर्जी हो। डीए तो ठीक है, पीए कम है। ठीक है, अच्छा। और आपने आज ये भी समझना है कि एक डोमेन के चार वर्जन होते हैं, www without www https www https without www। ठीक हो गया, एक डोमेन के चार वर्जन्स होते हैं, चार शक्लें बेसिकली कह सकते हो कि होती हैं। तो आपको ये चीज इधर पता चलती है, एक्चुअल में सब रूट डोमेन, सब डोमेन, पाथ यूआरएल एंड यूआरएल। क्लियर है यहां तक? कुछ समझ आई आप लोगों को बात की? हाँ जी, ठीक है। तो टूल के अंदर सर्च करवाने के साथ साथ हमें इसका वर्जन का पता होना चाहिए कि जो इस डोमेन की तरफ पहले बैकलिंक्स या अथॉरिटी बनाई गई वो विदाउट डब्ल्यू डब्ल्यू बनाई गई या विद डब्ल्यू डब्ल्यू बनाई गई। विद डब्ल्यू डब्ल्यू सब डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब 12 और 11 है, अब हम इसको ऐसे चेक करते हैं। पहले पहले हम नोट कर लेते हैं 16 एंड 12। अब ये 16 और 14 नजर आ रही है, ठीक है। इट मींस के www का और विदाउट www का जो है बड़ा अमल दखल है SEO में। कि हम SEO में भी प्लस आप कह सकते हो कि गेस्ट पोस्ट या PBN का जो सेटअप आपने सीखना है या बनाना है बेसिकली, उसमें www का और विदाउट www का बड़ा अमल दखल है। कि जो पहले इस डोमेन का ऑनर था, आया कि उसने www के साथ इस डोमेन की अथॉरिटी बनाई या विदाउट www के उसने इसकी अथॉरिटी बनाई, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना होता है ये चीज, ये बात। तो विदाउट www ज्यादा अथॉरिटी नहीं थी, विद www ज्यादा अथॉरिटी है, 16 14 और 12 11, ठीक है। उसके अलावा लिंक प्रोफाइल में majestic.com दुनिया का नंबर वन टूल है मेरे हिसाब से, उसके बाद SEMrush है, उसके बाद AHRF है और उसके बाद Moz है, ठीक है। Moz को बहुत सारे मार्केटर्स ने पैसे लेके उठाया है, Moz में कोई खास बात है नहीं, ठीक है। जिसका हम अथॉरिटी चेक करते हैं, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, ठीक है। उसमें कोई खास कोई सर्विस ऐसी है नहीं, उसको मार्केटर्स ने पैसे ले लेके उठाया है, मैं जहां तक मोज को जानता हूं। इसके अलावा हमने ये देखना है कि जो बैकलिंक इस डोमेन की तरफ बनाए गए, आया कि रीडायरेक्ट तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट लिंक है, ओके है, इमेजेस है, ओके है, फ्रेम है, ओके। एंकर टेक्स्ट रेशियो चेक करनी है, इसमें कहीं जो है वो हमें कोई हैक्ड साइट, चाइनीज कोई एंकर टेक्स्ट या इस तरह का तो कोई चीज नहीं नजर आ रही। आपने यहाँ देखना है, लाइक 36
परसेंट जो बैकलिस्ट बनाए गए वो अदर एंकर टेक्स्ट की तरफ बनाए गए जो कि बेस्ट है। 35 से ऊपर ऊपर जितने भी एंकर टेक्स्ट की रेशियो होगी वो बेस्ट होती है। ठीक है, ये ट्रस्ट फ्लो, ये साइटेशन फ्लो। ट्रस्ट फ्लो जितनी साइटों ने इस साइट को बैकलिंक दिया हुआ है उनकी वजह से इस साइट का जो ट्रस्ट लेवल बिल्ड हुआ है आउट ऑफ 100 मैजेस्टिक के अंदर वो ये है। और साइटेशन फ्लो यानी सीएफ कितनी तादाद में बैकलिंक इस डोमेन की तरफ इस साइट की तरफ बेसिकली बनाए गए वो साइटेशन फ्लो होता है। ठीक है, आप इसको स्टडी भी कर सकते हो, साइटेशन फ्लो मैजेस्टिक फ्लो मैट्रिक स्कोर विच इज वेटेड बाय द नंबर साइटेशन गिवन यूआरएल और डोमेन। ठीक है, नंबर साइटेशन कितनी तादाद में बैकलिंक्स इस डोमेन की तरफ बनाए गए इस साइट की तरफ बेसिकली बनाए गए। और ट्रस्ट फ्लो इज अ मैजेस्टिक फ्लो मैट्रिक स्कोर विच इज वेटेड बाय द नंबर ऑफ लिंक्स फ्रॉम अ सीड सेट ऑफ ट्रस्टेड साइट्स टू ए गिवन यूआरएल और डोमेन। ठीक हो गया, ये आपने बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। और ये जो आप आज स्किल सीख रहे हो, आप एक डोमेन फाइंड करके दोगे आप उसके $10 $15 $20 $25 $50 मतलब जितना आप ने ज्यादा टाइम लगाया है अच्छी डोमेन फाइंड करके दिए उतना आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो। नॉर्मली $10 में एक अच्छी डोमेन हमें मिल जाती है। लोग जो है वो डिफरेंट जो है वो कह लो कि डिफरेंट प्राइसिंग में सेल करें, उन्होंने सेटअप बनाए हुए। आपको अगर कोई सेलर चाहिए हो तो मैं दे सकता हूँ, मगर ये सिखाने का मकसद ये है कि आप लोग सेलर बनो, आप लोग डोमेन्स फाइंड करके दो, आप लोग मार्केट में अपनी जगह बनाओ और उनको सर्विस देके आपको जल्दी पैसे मिलते हैं। वो आप अपनी जो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसीलिए तो आप लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाया था ताकि आप लोग फ्रीलांसिंग से पैसे बनाओ, फाइवर पे काम स्टार्ट कर सको, इसीलिए तो ये आप लोगों को सिखाया था। तो ये बेसिकली क्या है कि ये एक स्किल, ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड पहले भी थी, आज भी है, आइंदा भी रहेगी। ये हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स फाइंड करने का मेथड है और हाई अथॉरिटी बैकलिंक की बहुत ज्यादा अहमियत है एसईओ में। ये स्टेप्स मैंने समझा दिए, साइटेशन फ्लो ट्रस्ट फ्लो रेशियो ये 12 और 11 है, ये 12 है तो ये 22 से ज्यादा ना हो। अगर ये साइटेशन फ्लो 22 से ज्यादा होगा इट मीन्स कि डोमेन के जो बैकलिंक्स हैं वो खतरनाक है। इस रेशो को आप लोगों ने एक तो चेक साथ साथ करना है। स्पैम स्कोर जब आप इसमें चेक करते हो मोज के ऑफिशियल टूल में, वहां पे ये स्पैम स्कोर दिखाता है जो कि 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 या 3 से कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ 17 होता है। बैकलिंक्स मैंने आप लोगों को मैजेस्टिक में अभी बैकलिंक की एंकर टेक्स्ट की जो रेशो थी ना उसमें कोई स्पैमी बैकलिंक या चाइनीज नहीं होना चाहिए लिंक प्रोफाइल में। ठीक है, जब वे बैक मशीन archive.org जो वेबसाइट है इसमें आपने उस डोमेन को चेक करना है कि वो कहीं पहले उस डोमेन को खरीद के किसी ने पीबीएन का हिस्सा तो नहीं बना दिया, कोई रीडायरेक्ट तो नहीं लगा दिया, इसकी इसकी जो अथॉरिटी है पहले खत्म तो नहीं हो गई, किसी ने इसको यूज करके फेंका तो नहीं है। ये चीजें हम कैसे चेक करेंगे, ये तो ये वेबसाइट बहुत पुरानी है, जैसे कि मैंने expireddomains.net से जब उठाई तो मैंने 22 years उठाई, यानी कि पुरानी डोमेन एक उठाई, ये 97 में कैसी लगती थी वो देखते हैं। ऐसे लगती थी वेबसाइट पहले 1997 में, 1997 में 30 मार्च 1997 में ये ऐसे लगती थी। ठीक है, उसके बाद तो अच्छा रीडायरेक्शन ना हो, यानी कि फ्रॉम
यहाँ से स्टार मीडिया डॉट कॉम ये वेबसाइट किसी और डोमेन की तरफ रिडायरेक्ट ना होती। इसको डिफरेंट टाइम पीरियड में हमने चेक करना है। ये हमें नजर आ रहा है रीडायरेक्ट टू फ्रेंच फ्रेंड फाइंडर डॉट कॉम पे जा रही है। इट मीन्स कि ये डोमेन की जो अहमियत है वो खत्म की गई। 2004 में इसको रीडायरेक्ट किया गया जो कि खतरनाक बात है। ठीक है, उसके बाद हम 2018 में इसको चेक करते हैं। इसने इस टूल का क्या काम है वेब डॉट आर्काइव डॉट ओ आर जी का, इसने बेसिकली हर जो वेबसाइट है उसके हर टाइम को अपने पास सर्वर पे डाउनलोड कर लेना होता है, सेव कर लेना होता है। ठीक है, तो इसका हमें फायदा ये होता है कि हमें वेबसाइट की जो कंडीशन है उसके बारे में पता चलता रहता है कि ये वेबसाइट जो है आया कि हम हमारे लिए ठीक भी है कि नहीं ठीक। तो इस तरह ये वेबसाइट हमारे मेयार पे पूरी नहीं उतरी। अगर ये वेबसाइट एक दफा भी ऐसा होता कि एक दफा भी रिडायरेक्ट ना हुई होती, एक दफा रिडायरेक्ट हुई है हमें नजर आई है, उसके अलावा इसके मैट्रिक्स उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे हमें चाहिए। हमें हाई अथॉरिटी की सेटअप में इस डोमेन को डालना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं कुछ मजीद आज के लेक्चर को एंड करने से पहले कुछ चीजें मजीद बताता चलूं। गेस्ट पोस्टिंग यूज फॉर Clients, एक साइट $50 में रेडी होती है, फॉर एग्जाम्पल $100 में रेडी होती है एक वेबसाइट, तो हम जो है उस पे 50, 100, इवन 1000 क्लाइंट्स को इंटरटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बरक्स अगर हम PBN को देखें, PBNs को देखें, तो used for not more than 10 साइटों से ज्यादा की रैंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। इसका बजट है $100। ठीक है, इसमें हम लेते हैं फॉर एग्जांपल $5 पर पोस्ट। हम अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करते हैं और वही बैकलिंक, उसके अंदर बैकलिंक ऐड होता है, वही बैकलिंक के लिए हमें पे किया जाता है। पीबीएन में हम $15 से $25 पर पोस्ट लेते हैं। ठीक है, 10 से ज्यादा को एंटरटेन नहीं किया, 10 × 25 तो कितना होगा 250। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 50 क्लाइंट को दिया, खतरा भी बढ़ गया क्योंकि ज्यादा क्लाइंट को $250। ठीक है, इसी तरह ही बनते हैं ना। हाँ जी, ठीक है, अब यहाँ हमने $5 बहुत कम प्राइस रखी, हमें ज्यादा क्लाइंट मिले। हमने यहाँ ज्यादा प्राइस रखी, हमने ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 10 क्लाइंटों को बैकलिंक देना है अपने हर पीबीएन की साइड से। अच्छा, कितनी साइट्स गेस्ट पोस्टिंग के सेटअप में हम रख सकते हैं? एज मच एज You can afford. पांच का पीबीएन, 10 का पीबीएन, 15 का पीबीएन, 20 का पीबीएन, 25 का पीबीएन, 50 का पीबीएन, 100 का पीबीएन, ये आपने इस तरह ताक अदाद में रखना है। ठीक है, एक होता है जुफ्त अदाद, एक होता है ताक अदाद, ताक अदाद में रखने। और मैंने आपको बता दिया कि एक साइड से 10 क्लाइंटों से ज्यादा को बैकलिंक नहीं देना, और वो 10 के 10 हमने होम पेज पे कंप्लीट ओपन रखने ताकि होम पेज की जो अथॉरिटी है वो उन 10 क्लाइंटों की साइटों को जा सके और वो रैंकिंग उनको मिल सके, अथॉरिटी मिल सके, बैकलिंक्स का फायदा हो सके। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट में आप लोगों को आज लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और
आज के कंसेप्ट वो समझ कि फॉर एग्जांपल पीबी दे रहा हूँ, एक पीबीएन है ना एग्जांपल, एक साइट उसकी 17 उसकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, एक एक जो मेन है उसकी तरफ 17 बैकलिंक आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने 10 साइट्स को लिंक दिया उस डोमेन से, उस साइट से, बेसिकली आर्टिकल पब्लिश करने के बाद वो साइट बन गई, ठीक है। तो हर वेबसाइट की तरफ जो गूगल बैकलिंक्स कंसीडर करेगा 17 उस डोमेन के प्लस एक उस डोमेन का जहां से बैकलिंक लिया था, 18 बैकलिंक्स की ताकत उस डोमेन को मिलेगी जो जो उस डोमेन से, उस अथॉरिटी की साइट से बेसिकली लिंक ले रहा होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है, हर बंदे को उसकी समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, मगर क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो समझ आएगी कि मैंने ये क्या बात बताई है। एक डोमेन जो हमने बाय की, फाइंड की, प्रॉपरली उसको एनालिसिस उसके किए, उसके बाद उसको बाय किया, उसको रेडी किया, उस पर आर्टिकल पब्लिश किए 10 आर्टिकल, चाहे गेस्ट पोस्टिंग की साइट हो चाहे पीबीएन की साइट हो, उसमें हम 10 फ्रेश आर्टिकल्स डिफरेंट टॉपिक पे लिखवा के उस पर पब्लिश करेंगे, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट भी है, नीच ब्लॉग नेटवर्क एनबीएन, ये क्या होता है? नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक जो साइट हम रेडी करते हैं उसमें उसकी डोमेन का एक्सपायर्ड डोमेन है, तो उस अगर टूल का कोई खर्चा है, ठीक है, नहीं तो उस डोमेन का रिन्यूअल का खर्चा, उसके लिए होस्टिंग जो लेते हैं उसका खर्चा, आर्टिकल राइटर से आर्टिकल लिखवाएंगे उसका खर्चा, 10 आर्टिकल लिखवाएंगे 700 से 1000 वर्ड्स के, अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हम नेटवर्क बना रहे हैं, ब्लॉग नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसमें हम उस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल लिखवाएंगे। अगर हम जनरल पीबीएन बना, उसके बनाया जाता है ताकि किसी भी साइट को रैंक करवाया जा सके, जैसे ही वो पीबीएन रेडी होगा, फाइंड करने डोमेन फाइंड करने के बाद रेडी होगा, जैसे ही पीबीएन बनेगा तो वहां से अगर हमने मुख्तलिफ किसी साइट्स को रैंक करवाना है, तो हम फिर जनरल पीबीएन बनाते हैं, जो कि जिसकी बहुत ज्यादा एक्चुअली डिमांड है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप लोग जो है इसको स्टडी करके आओगे, प्रैक्टिकली जो मैंने बताया इसको प्रैक्टिस करके आओगे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अपने दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।